वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा, मेरे एक नया मोबाइल ऑर्डर की थी वो आके अभी पहुंच गया है, उसका अनबॉक्सिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा ये वीडियो में। तो चलिए देखते हैं क्या मोबाइल में ऑर्डर की थी और कौन सा मोबाइल आई है, और मेरे जो मोबाइल क्या था क्या है मैं आप लोगों को बताऊँगी। नया मोबाइल Realme GT मास्टर एडिशन। ये देखिए मेरा नया मोबाइल कितना लंबा बॉक्स है, देखिए। ये देखिए इसके अंदर क्या है, दिखाती हूँ आपको। ये भगवान, ये क्या है, ये कुछ सेफ्टी गाइड है, ये सेफ्टी गाइड है, इसके साथ ये क्विक गाइड है। कोई नहीं पढ़ता है इसको, मुझे तो पता नहीं कोई पढ़ता होगा, मैं नहीं पढ़ती हूँ। ये देखिए ये क्या है, ये है मोबाइल, मैं उसको ओपन करके दिखा रही हूँ आपको कैसा है मोबाइल। ये ओपन कैसे करूँ, ये देखो, ये मेरा मोबाइल, नया मोबाइल। ये ग्रे कलर में है, ऐसे देखिए ग्रे कलर में है। जैसा मोबाइल था उतना ही बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पूरा स्लिम ट्रिम है, हाथ से गिरेगा तो जाएगा। इसके साथ तीन कैमरा, पहले मेरा चार कैमरा था लेकिन एक ही कैमरा यूज कर रही थी। और इसमें तीन कैमरा है, और इसके साथ ये एक फ्रंट कैमरा जो है इधर है, वो उधर था ये इधर है। स्क्रीन गार्ड दिया है कि नहीं पता नहीं मुझे। इसके साथ ये देखिए चार्जर है, वैसे तो सेम टू सेम चार्जर है मेरे पास, क्योंकि पहले भी मेरा ये रियलमी का मोबाइल था और अभी भी मेरा नियर रियलमी का मोबाइल है। ये देखिए ये ग्रे कलर है और ये भी ग्रे कलर है, सुंदर तो दिख रहा है। देखिए अब लोग इसको ना मैं कर भी नहीं पा रही हूँ इसके अंदर, क्या क्या कवर दिया है भगवान को पता। मैं कवर भी इसके साथ ऑर्डर की हूँ, उसके साथ ये भी ऑर्डर की हूँ, वो सब आके कल शायद पहुँचेगा। लेकिन ये तो कवर तो चढ़ भी नहीं रहा है, मुझे डर लगता है ऐसे खाली मोबाइल पकड़ने के लिए गिर के टूट ना जाए। देखो कवर कैसे चढ़ाऊँ, वो टेंशन है बहुत। कवर चढ़ नहीं रहा है, शायद ऐसे चढ़ जाए। हे भगवान चढ़ तो जा, अभी तो चढ़ जा। ये कवर छोटा दे दिया है इसके अंदर, कवर शायद छोटा दे दिया, मैं तो चढ़ा चढ़ा के थक गई, कवर तो चढ़ता नहीं, फाइनली हो जाए अच्छे से। यहाँ कैसे करके भी चढ़ तो नहीं रहा है कवर, क्या करूँ, मोबाइल ना टूट जाए, मेरा नया मोबाइल है, अभी अभी तो खरीदा हूँ, मुझे डर लगता है प्रभु। चलो कैमरा भी वही साइड में है, एक कवर चढ़ा दूंगी तो फिर निकालने के लिए। ये मेरे से नहीं होगा बाबा, मैं मोबाइल नहीं चलाऊंगी, बंद कर देती हूँ। एक साइड में चढ़ता नहीं है कवर और मुझे इतना डर लगता है इसको चढ़ाने के लिए। भगवान इसके साथ ये है, कवर क्यों चढ़ा रहे हो, भगवान ने बुद्धि दे दिया, कवर मत चढ़ाओ अभी, कवर चढ़ा दोगे तो फिर बाद में सिम कार्ड नहीं डाल सकते हो, सिम कार्ड में डाल देती हूँ पहले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें दिया है एक ही दो सिम डालने के लिए जगह दिया है, लेकिन एक भी चिप डालने के लिए वो एसडी कार्ड डालने के लिए नहीं दिया है जगह।
पहले से ही इसको मुझे पता होना चाहिए था कि इसमें एसडी कार्ड जगह नहीं दे रहा है। बोर कर दिया मुझे पहले ही। और एसडी कार्ड कहाँ डालूँ अभी? ये तो खाली सिम के लिए ही जगह है और कुछ जगह ही नहीं है। कहाँ डालूँ एसडी कार्ड? मुझे क्या क्या फेंक दूँ? मेमोरी चिप फेंक दूँ? 256 GB मेमोरी है इसमें, फिर भी एसडी कार्ड तो देना चाहिए था ना। एसडी कार्ड नहीं देंगे तो हम कैसे डालेंगे? इतना तो पता होना चाहिए कि एसडी कार्ड तो दे दें। देखो इसमें हो गया। और एसडी कार्ड कहाँ डालें? धूल लग गया मेरा फ़ोन पे। देखो स्टार्ट हो रहा है, खाली इतना कवर ना चढ़े, बस कवर नहीं चढ़ रहा है। देखते हैं पीछे से, फिर भी पूछ करके पीछे से। हो गया नहीं, ये एक साइड से हुआ, एक साइड से नहीं हुआ, ऐसे ही हुआ। सब एग्री करना पड़ेगा, लेकिन इतना सब पढ़ के एग्री करो। यस आई एम एग्री, मैं एग्री करके भी कुछ हो जाएगा, एग्री करना पड़ेगा। इंटर पासवर्ड है। हो गया कनेक्टिंग जियो फाइबर हो गया मेरा, लेकिन ये अब तक भी घुस नहीं रहा है। विचार करता है मुझे फोन स्टार्टिंग, बट देखिए यहाँ पे ये मुझे बोर करता है, अभी तक नहीं घुसा। ये मार दूंगी, मेरा नया फोन ना होता तो क्या क्या करते इसके साथ। माँ मेरा हस्बैंड ये सुनेंगे तो क्या क्या करती, क्या करती बोल के पूछेंगे। एन आईफोन डिवाइस, ए बैकअप फ्रॉम द क्लाउड, बैकअप फ्रॉम एंड्रॉयड फोन। बैकअप ही चाहिए मुझे क्योंकि मेरा पुराना फोन तो गया। क्या करूँ अभी, क्या करूँ? मेरा थक गई मैं इसको घुसा घुसा के, बोर हो गई मैं सच में। नेक्स्ट हो गया ईमेल और फोन। मैं सब सेटिंग कर लेती हूँ, फिर नया मोबाइल में वीडियो करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कैसा होता है। मैं आप लोगों को कैसा, मतलब नया मोबाइल आता है तो उसमें पहले क्या देखते हैं? मैं पहले कैमरा ओपन करती हूँ, उसमें कैसे फोटो खींच रहा है वो देख रही हूँ, वो देखती हूँ फोटो का क्लैरिटी कैसे। नहीं तो मोबाइल में आजकल क्या है कि सब मोबाइल में तो एक ही जैसा है, कुछ ऐसा नहीं कि ये मोबाइल में कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा, दूसरे मेरे पुराने मोबाइल में जो था इसमें भी वही होगा, लेकिन फोटो का क्लैरिटी कैसे होगा वो मुझे चाहिए हमेशा। हर फोन में क्या फोटो दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, वैसे मुझे चाहिए कि हाँ अच्छा दिख रहा है कि नहीं, वो मैं पहले चेक करती हूँ। और अभी तो वीडियो बना रही हूँ, वीडियो के लिए ही ज़्यादा मुझे मेमोरी चाहिए था, लेकिन मेमोरी कार्ड ही इसमें नहीं हो जा रहा है, तो इसको भी क्या करूँ अभी, वो टेंशन है। क्योंकि दो सिम तो आजकल कौन डालता है? दो सिम, एक सिम डाल दो, एक मेमोरी कार्ड के लिए तो जगह रखना चाहिए, ऐसे कौन देता है। फिर भी क्या होता है, मैं आप लोगों के साथ वीडियो जब ये सब गूगल अकाउंट ये सब सेटिंग करके फिर मैं दिखाती हूँ इस फोन में क्या होता है। सब मैं खोल के देख लिया अभी, और ये मोबाइल में मुझे एक चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, कैमरा क्लैरिटी जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा है वैसे तो देखा जाए तो पूरा रियल टू रियल दिख रहा है, लेकिन मुझे वो मेरे जो पुराना मोबाइल वो भी रियल मी का था, तो इसीलिए मैं रियल मी का लिया, लेकिन रियल मी का ये वाला मोबाइल मुझे बिल्कुल पसंद, मुझे वो मेरा पुराना मोबाइल को मैं मिस कर रही हूँ। मुझे चाहिए था एक्सपेंडेबल मेमोरी, मेरा जो वो मोबाइल था बिल्कुल भी कुछ भी ख़राब नहीं हुआ था, लेकिन मेमोरी कार्ड ज़्यादा चाहिए था, जो कि इस मोबाइल में 256 GB मेमोरी है और उसमें है 64 GB था, जो कि 2 साल पुराना मोबाइल था, इसीलिए वो मोबाइल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, देने के लिए मन भी नहीं था, लेकिन एक्सचेंज कर लिया क्योंकि ये 10 मोबाइल क्या करेंगे। फिर भी तो मेरे हस्बैंड का जो मोबाइल है वो मोबाइल मेरे पास है, और दूसरा जो पूर्व फिर से भी एक और एक भी मोबाइल है, आसुस का मोबाइल है, ये एक तीसरा मेरे हस्बैंड का मोबाइल, चार चार मोबाइल ऑलरेडी है, तो कितना मोबाइल क्या करेंगे, तो ये ख़राब ना हो जाए इसलिए वो मोबाइल वो रखे हैं। उनका ये कौन सा मोबाइल पता नहीं, इनका ये ऑनर का मोबाइल है, ये बिल्कुल भी कुछ नहीं ख़राब हुआ है, लेकिन बैटरी जो है आपको दिखाई थी वीडियो में फूल गया था, इसीलिए मैं सोचा कि फूल गया है फिर कभी ऐसा ना हो जाए कि फट जाए, तो इसके अच्छा ना डर लगा रहता है ना, इससे अच्छा कि ऐसे ही ये यूज हो जाएगा कभी कभी, जैसे कि बेटा का क्लास रहता है क्या रहता है तो यूज हो जाएगा, ऐसे सोच के रखे हैं, क्या होगा आगे पता नहीं। लेकिन मैं तो मेरा पुराना मोबाइल को बहुत ही मिस कर रही हूँ, बहुत मतलब बहुत मिस कर रही हूँ। इसमें खाली मुझे मेमोरी चिप जो है ये नहीं डाल सकते हैं, इसमें एक्स्ट्रा मेमोरी चिप डालने के लिए जगह नहीं दिया है, और एक दो सिम डालने के लिए जगह दिया। आजकल तो मुझे जैसे पता है कि एक उनका जो मोबाइल, तो वो जो मोबाइल में मेरा 64, 32, 96 GB फुल कुल मिला के हो रहा था,
इतने में सारे दिन जब भी वीडियो करती थी मोबाइल हैंग हो जाता था, लेकिन इसमें शायद वीडियो बना के फिर एक दिन में पोस्ट ना करो तो दूसरे दिन के लिए वीडियो नहीं बना सकते थे, और इसमें तो कर सकते हैं। बहुत सारा जो ऑलरेडी GB है। और दूसरी बात तो ये है, नहीं होगा तो एक 1 TB का ये भी खरीदेंगे बोल रहे थे, बहुत तुमको वीडियो के लिए और भी चाहिए तो 1 TB का लैपटॉप के लिए भी खरीद लेंगे। 1 TB का मोबाइल में चार्ज भी खत्म हो गया है, इतना थोड़ी सी चार्ज था, भी चार्ज भी उठा लेती हूँ, बोल रहा था 1/2 घंटे में पूरा फुल चार्ज हो जाता है, देखते हैं कितना टाइम में होता है। रिव्यू कैसा है, मैं पहला रिव्यू तो दे दिया कि मुझे खाली GB चाहिए था ज़्यादा, इसीलिए मैं फिर ये मोबाइल ली थी, लेकिन पता चलना चाहिए आगे आगे इसमें क्या खराब है क्या अच्छा है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।